नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ प्रेरणा। दोस्तों, सोने के मामले में हर किसी की अपनी पसंदीदा पोजीशन होती है। कोई पीठ के बल सोना पसंद करता है तो किसी को पेट के बल सोना ज्यादा आरामदायक लगता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें पेट के बल सोना काफी अच्छा लगता है, ये उनकी फेवरेट स्लीपिंग पोजीशन होती है। मगर क्या पेट के बल सोना शरीर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? कहीं ये स्लीपिंग पोजीशन आपके शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, पेट के बल सोना आपको चाहे कितना भी आरामदायक क्यों ना लगे, लेकिन ये एक अच्छी स्लीपिंग पोजीशन नहीं है। सिर्फ 7% ही ऐसे लोग हैं जो सोने के लिए इस पोजीशन को चुनते हैं, जबकि बाकी लोगों को पीठ के बल सोने वाली पोजीशन ही सबसे बेस्ट पोजीशन लगती है। पेट के बल सोने से रीढ़ की हड्डी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, व्यक्ति के शरीर के बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पेट के बल आखिर क्यों नहीं सोना चाहिए, तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं। दोस्तों, जब आप पेट के बल सोते हैं तब आपकी पीठ के निचले हिस्से पर एक तनाव पैदा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ गर्दन घुमाकर सोने से गर्दन में दर्द के साथ साथ अकड़न की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। एक्सपर्ट की माने तो दोस्तों, पेट के बल सोने से कंधे में तेज दर्द की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पोजीशन में सोते वक्त ज्यादातर लोग अपनी बाहें ऊपर की ओर कर लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस स्लीपिंग पोजीशन में सोना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप करवट लेकर या पीठ के बल आराम से सो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को स्लीप एपनिया है या खर्राटे लेने की समस्या है तो ऐसे लोगों को पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। जिन लोगों को दिल से जुड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों, उन लोगों को दाहिनी तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। पाचन से जुड़ी सभी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के लिए बायां करवट यानी कि बाई करवट सोना ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे पेट पर दबाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही और रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।